अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। सो आज हम बनाने वाले हैं रवा की खजूरी। अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं 500 ग्राम सूजी ले रही हूँ, 250 ग्राम मैंने यहाँ मैदा डाल रही हूँ, 100 ग्राम तेल डाल रही हूँ, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मीठा सोडा। इसको सबको अच्छे से मिला लेना जब तक ये मुट्ठी ना बन जाए। देखिए अच्छे से मिल गया है और ये मुट्ठी भी बन जा रहा है। अब इसमें 150 ग्राम मैं यहाँ चीनी ऐड कर रही हूँ, आप मीठा अपने हिसाब से डालें। कुछ ड्राई फ्रूट यहाँ डाल रही हूँ और अच्छे से फिर से इसे अच्छे से मिला लें। सब अच्छे से मिल गया है। अब मैं इसमें हल्का हल्का दूध डाल के इसको खूब बढ़िया से इसे मिला लेना है। हल्के हाथों से हल्का हल्का सान लेना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसे अच्छे से मिलाना है। थोड़ा एक साथ दूध ना डालें नहीं तो ये हमारा गीला हो जाएगा। देखिए हमने जो सूजी मिलाए हैं इसके ज़्यादा गीला नहीं करना, कड़ा कड़ा इसका ऐसे ही गोल गोल बना के रखना है। फिर इसका चीनी बाद 10 मिनट के लिए से रख देंगे, चीनी जो है वो घुलने के बाद ऑटोमेटिक ये सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए अच्छे से पूरा ये बन गया है। इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा चीनी पूरा अच्छे से मिल जाए। देखिए दोस्तों ये 10 मिनट हो गया है और कितना अच्छा ये नरम सा हो गया है एकदम। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। हमने इसे बर्फी डिजाइन में काटे हैं, आप चाहे जिस डिजाइन में भी काट सकते हैं। इसी तरह से और बाकी जो है उसको भी हम बना लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में छानेंगे, ज़्यादा डीप नहीं करना है कलर, हल्का बादामी कलर में इसे छानने के निकालेंगे। देखिए हल्का ब्राउन हो गया, हम सभी से एक एक करके निकाल ले रहे हैं। पूरा छान लिया है। देखिए दोस्तों हमारी सूजी की खजूरी बनकर एकदम तैयार है।